इस वीडियो में हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे ये सेल है बैटरी, सही है। तो सेल से मिलकर बैटरी बनती है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने चार सेल लिए हुए हैं, ठीक है। और इस सेल का जो ये निकल कैडमियम सेल है, रिचार्जेबल है। और ये जो साइन है यहाँ पर प्लस पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव है और फिर दूसरा अपना आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन हो गया। तो नेगेटिव साइन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साइन बता दिया है और तो दूसरा साइन ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब इनको बैक टू बैक कनेक्ट कर दें, तो ये सब हैं सीरीज में कनेक्ट, ठीक है। तो पहले एक सेल का देखते हैं कितना वोल्टेज है, मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को मैं सेट करता हूँ डीसी पे, तो 20 की रेंज ठीक है, ठीक है, वैसे 2 से कम ही है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, तो 1.31 वोल्ट, ठीक। दो का देखते हैं कितना हुआ, 2.54। तीन को कनेक्ट करते हैं बैक टू बैक, थ्री पॉइंट एट फाइव। फोर को 5.09। तो ये हमारे, अब ये हमारी जो है बैटरी बन गई, चार सेल हैं। तो एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल अगर कनेक्टेड हैं इस तरह, तो उसको बोलते हैं बैटरी। बाकी सेल तो एक है ही इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसको बैक टू बैक, यानी हमने सारा जो कनेक्ट किया है ये सब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब ये तो हो गया वोल्ट मीटर से, तो मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ओह मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल, इसका काम ख़त्म हो गया। अब मैं इससे वोल्टेज बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है वो उसको हम ज़रा समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पर एलईडी है, ये एलईडी बल्ब है, ठीक है। तो अभी देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो 1.3 वोल्ट दिया तो उससे ग्लो नहीं हो रही है, ठीक। तो दो सेल को कनेक्ट किया सीरीज में, तो वोल्ट हो गई 2.6 के समथिंग, 2.6 वोल्ट के समथिंग, तो ग्लो हुई। उसके बाद 3.9 के समथिंग, कितनी रोशनी है। इसका थोड़ा सा फेस इधर कर लेता हूँ तो अच्छे से लगे। और अब मैंने 5 वोल्ट के समथिंग है, ये चारों के चारों मैंने बैक टू बैक कनेक्ट किए हैं। अब देखो, अब उससे भी तेज रोशनी है। ठीक, अब यही एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप बैटरी जैसे बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो उसका जो है करंट भी बढ़ती जाती है, ठीक। अभी एक फ़ैन ले लेते हैं, मोटर कनेक्ट है इस पर, डीसी मोटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बेस बना लेता हूँ, ऐसे कनेक्ट करके देखते हैं। दो सेल कनेक्ट करते हैं, इसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, इसको गया। तीन सेल, अब तो जैसे जैसे आप सेल को एक बैटरी की फॉर्म में बनाते जाओगे, तो अगर आपने एक सेल दिया है तो कम वोल्टेज थी, जैसे कि हमने एलईडी बल्ब से देखा, जो एलईडी जो है ना, उसके बाद हमने दो लगाए तो एलईडी की रोशनी बढ़ गई, एक से तो ऑन ही नहीं हुई थी, ठीक है। दो लगाया तो एलईडी हमारी ग्लो हुई थी, तीन लगाए तो उसकी काफ़ी रोशनी बढ़ गई थी, और फोर पे फुल जो उसकी रोशनी है वो फुल ग्लो हो गई थी। ऐसे ही मोटर के साथ में आपने
एक सेल से चलाया था तो स्पीड अच्छी नहीं थी, दो पे कनेक्ट किया अच्छी स्पीड हो गई, तीन पे किया और अच्छी हो गई, चार पे किया मैक्सिमम, तो 5 वोल्ट का है ये बेसिकली, 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है। ठीक है, ऐसे ही ये भी जो है ये भी 5 वोल्ट पे ग्लो करता है। तो ये था कि अगर आप बैटरी को या मतलब सेल को आप कनेक्ट करते हो सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाती है, तो करंट बढ़ने से क्या हुआ, एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ गई, मोटर की स्पीड बढ़ गई। ठीक है ना, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। चलिए, थैंक यू।